आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो वी हैव अ क्वेश्चन व्हिच सेज देयर इज अ सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस दे रखा है स्मॉल r, इज प्लेस्ड अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द पेपर। सो पेपर के प्लेन में ही है ये सर्कल और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन में ही है, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद इट, हमें निकालना है फ्लक्स। एज वी नो कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ओके। इसको मैं ओपन करूँ तो मिलेगा मुझे ई ए कॉस थीटा। सो आई नीड टू नो द एंगल बिटवीन ई एंड ए। सो अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ, अगर मैं मानूँ कि ये वाई डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, और पेपर के जो बाहर आ रही है वो जेड डायरेक्शन है, तो हमें पता है कि ई का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ई वैक्टर को, ई आई कैप, ओके। सो और अब बचता है एरिया। सो एरिया जो होता है, तो इस पूरे सर्कल का जो एरिया है, एरिया वेक्टर है। सो एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड होगा, बाहर की डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर हमेशा जो भी सर्कल है या जो भी प्लेन है हमारा, उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जिस भी प्लेन में हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करें, जैसे यहाँ पे सर्कल कंसिडर कर रहे हैं, तो इस सर्कुलर डिस्क का जो, ये सर्कुलर डिस्क जो है वो प्लेन ऑफ पेपर पर है, तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर में इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है कि एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जिस सरफेस में वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सो एरिया वेक्टर, क्योंकि जो सर्कल है वो वाई एक्स एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा, जेड एक्सिस की तरफ, मतलब आउट ऑफ द पेपर। सो एरिया वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए जेड गैप, ठीक है। और हमें पता है आई और जी, सो इसको हमें के गैप लिखना पड़ेगा, क्योंकि जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर को के गैप से डिनोट करते हैं। सो ऑफ कोर्स अगर ई जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर है वो जी डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज। तो फाई क्या होगा, ई ए कॉस 90, और हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। सो फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो। सो बी इज़ द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।